जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात का जायजा लेने भारत पहुंचे 25 विदेशी राजनयिकों का 2 दिवसीय दौरा शुक्रवार को संपन्न हो गया। दौरे के समापन पर विदेशी राजदूतों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। एनएसए प्रमुख ने सभी राजदूतों के लिए एक स्वागत समारोह रखा था। इस दौरान उनके साथ विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रवीश कुमार, राज्यसभा सांसद एमजे अकबर भी मौजूद थे। यूरोपियन यूनियन के प्रवक्ता वर्जिनी बट्टू हेनरिक्सन ने आज तक को ईमेल पर दौरे के बारे में जानकारी देते हुए कहा। घाटी में संचार पर लगी पाबंदी को जल्दी हटाने की जरूरत है। इस दौरे से एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारत सरकार ने सामान्य हालात बहाल करने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए, लेकिन कुछ पाबंदी अभी भी जारी हैं, जैसे कि इंटरनेट और मोबाइल सेवा पर। इसके अलावा कुछ नेताओं को अब भी नज़रबंद कर रखा गया है। घाटी में जहां एक तरफ गंभीर सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है, वहीं इस तरह की पाबंदियों को तेज़ी से हटाने की भी आवश्यकता है। भारत स्थित यूरोपियन यूनियन राजदूत उगो अस्तुतो भी जम्मू कश्मीर गए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। उन्होंने कहा, दौरे के दौरान हमने देखा कि वहां पर नेताओं को नजरबंद कर रखना, इंटरनेट और मोबाइल पर लगी पाबंदी आदि की समस्या तो है, लेकिन सरकार हालातों को बेहतर बनाने के लिए कई अन्य सकारात्मक प्रयास भी कर रही है। भारत स्थित जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर ने आज तक से बात करते हुए कहा, हालात को सामान्य बनाने के लिए सरकार द्वारा कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी कई पाबंदियां जारी हैं। हमने कई लोगों से बात की, सबने घाटी में संचार व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है। इंटरनेट सुविधा बंद किए जाने से वहां के व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है। अगर मुझसे पूछें कि वहां के लोग क्या चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा, इंटरनेट सुविधा, शांति और व्यवस्था की संभावना। बता दें, 25 देशों के राजनयिकों ने 12 और 13 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इन देशों में यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, गिनी, हंगरी, इटली, अफगानिस्तान, बुल्गारिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डोमिनिक गणराज्य, केन्या, किर्गिस्तान, मैक्सिको, नामीबिया, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पोलैंड, रवांडा, स्लोवाकिया, तजिकिस्तान, युगांडा और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। कश्मीर दौरे के बाद सभी विदेशी मेहमानों ने कहा कि कश्मीर में हालात वक्त के साथ अच्छे होते जा रहे हैं।